हेलो बच्चों, तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स का 8th लेक्चर लेके आए हैं और आज थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे जो कि है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और उस हीट इंजन से रिलेटेड कोई सवाल नहीं फंसेगा। 2013 मेंस में हीट इंजन का एक सवाल था और वो कैनॉट्स हीट इंजन का नहीं था। तो खैर, हम ये सब सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो मेरा नाम है अलख पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेक्चर नंबर 5 है, थर्मोडायनेमिक्स 05 फिजिक्स वाला, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, फर्स्ट लॉ ने हमसे कहा कि भैया, यूनिवर्स में जो भी चीज होती है उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस होगा उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाली जो भी कहानी, या एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है मास एनर्जी, जो भी, वो सारी कहानी को मिला के फर्स्ट लॉ बना था। फर्स्ट लॉ में प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट लॉ ने यह नहीं बताया कि वेदर द प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट। ये तो बताया ही नहीं भाई। उन्होंने बोला ये प्रोसेस जब होगा तब इसमें एनर्जी कंजर्व्ड होगी, पर ये नहीं बताया कि वो प्रोसेस कभी होगा भी कि नहीं होगा। यानी फर्स्ट लॉ ने नियम तो बता दिया कि कभी आप यहां पे जाओगे, क्रिकेट मैच खेलोगे, बॉल साइड से निकल गई तो वाइड बॉल बोलेंगे, सर के ऊपर से निकल गई नो बॉल बोलेंगे। नियम तो बना दिए, पर यह नहीं बताया कि आप पानी के अंदर जाके क्रिकेट खेल सकते हो कि नहीं। समझ रहे हो? मतलब उन्होंने रूल बता दिया कि जब प्रोसेस होगा तो ऐसा होगा, पर वो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा ये बताएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बेसिकली ये वर्ड्स केमिस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर सेकेंड लॉ है इसी के बारे में। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से हो जाए या जो थोड़े बहुत पुश से काम हो जाए, ऐसा काम, ऐसे काम को हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। जैसे क्लास में हुड़दंग कराना, टीचर क्लास में बैठा है, हुड़दंग अपने आप होगा, है ना, चिल्लाहट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा प्रमोट करना होता है, ऐसे हंसी मजाक की 2-3 बातें कर दो, है ना, नींद चुराई मेरी, ऐसा कोई गाना वाना गा दो, किसने ओ सनम तूने तूने, बच्चे अपने आप हुड़दंग करेंगे। ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है जो या तो अपने आप हो जाए या थोड़ा सा प्रमोट करो और चालू हो जाए। नॉन स्पॉन्टेनियस बच्चों वो प्रोसेस जो हो ही नहीं सकता खुद से, और जब तक कराना है तब तक पुश करते रहो। मतलब सेकेंड लॉ ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस नेचर में खुद से होगा और कौन सा प्रोसेस खुद से नहीं होगा, ये है सेकेंड लॉ। जरा मैं एग्जांपल देता हूं, आपको मजा नहीं आया, फील नहीं आया, सर फील नहीं आता तो मजा नहीं आता जीवन में। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, यहां हमारे पास एक बॉडी है, यहां हमारे पास दूसरी बॉडी है, दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2। इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, हीट कहां से कहां फ्लो करेगी? आपने कहा हीट यहां से यहां फ्लो करेगी, हम बोलेंगे ठीक है। जितनी हीट ये लूज करेगा उतनी हीट ये गेन करेगा, और मान लेते हैं कि कोई हीट इधर उधर खराब नहीं हुई, है ना, देयर इज नो लॉस टू द सराउंडिंग और एनीथिंग एल्स, कहीं और खराब नहीं हुई, तो हम बोलेंगे जितनी हीट ये लूज करेगा उतनी हीट ये गेन करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ। अच्छा, कब तक हीट फ्लो होता रहेगा? सर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर ना बराबर हो, इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 50, ऐसी मान लिया मैंने, हो सकता हो 70-70 पे बराबर हो, सब तो लंबी कहानी है ना। एनीवेज, एक बार दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, हीट फ्लो बंद हो गया, ठीक है, यहां से यहां क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास प्यारे बच्चों दो बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का है 50 डिग्री सेल्सियस। क्या अब हीट वापस इसमें से इसमें फ्लो करके वापस ये कंडीशन अचीव हो सकती है? मैं पूछ रहा हूं कि क्या इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है? कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये हो जाना चाहिए। भाई फर्स्ट लॉ तो यही कह रहा है कि कोई प्रोसेस जब होगा तब उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हीट यहां से यहां फ्लो कर जाएगी, इसका टेम्परेचर वापस जीरो, इसका टेम्परेचर वापस 100, जितनी हीट ये लूज करेगा उतनी अगेन, है ना, यहां से यहां हीट फ्लो की थी तो वापस। पर आपको पता ये चीज नहीं होती, सर बकवास बात कर रहे हो, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। किसने बताया आपको ये बात, कैसे डिसाइड किया आपने? नेचर ने आपको बताया, स्पॉन्टेनियस नेचर ने कहा यही चीज होती है भैया, मान लो इसको, इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, ये नेचर ने बोल रखा है, मतलब ये नेचुरल लॉ है। सेकेंड लॉ इज अ नेचुरल लॉ, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हजारों हम, आपको पता है इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। दो बॉडी 50-50 पे साथ रखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक से हीट दूसरे में गई, एक 100 पे आ गया दूसरा जीरो, जबकि 100 और जीरो को रखोगे तो यहां से यहां हीट फ्लो करेगी, दोनों 50-50 पे आएंगे। तो ये चीजें ना कोई सिखा नहीं सकता, ये एक नेचुरल लॉ है, एक स्पॉन्टेनियरिटी है कि यही चीज होगी। और रिवर्स प्रोसेस कैसा था? नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप तो नहीं हो सकता, जबरदस्ती आप कर सकते हो हीट निकाल के रखो, अपने आप हीट ट्रांसफर नहीं होगा। बहुत एग्जाम्पल इस तरह के आपको दिए जा सकते हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल सेकंड लॉ का श्री एच सी वर्मा की किताब में दिया है कि मान लो यहां पे एक डिवाइडर है और दो चैंबर है, यहां पे कोई गैस वन है, यहां पे कोई गैस टू है। अगर मैं बीच से डिवाइडर को हटा दूं, अगर मैं बीच से डिवाइडर को रिमूव कर दूं तो क्या होगा? ये मान लो गैस वन है और ये मान लो गैस टू है। अगर मैं डिवाइडर को बीच से हटा दूं तो क्या होगा? गैस वन पूरे में फैल जाएगी और गैस टू भी पूरे में फैल जाएगी, यानी मिक्स हो जाएंगी गैसेस का, गैसेस मिक्स हो जाएंगी, है ना। अच्छा मैं कहूं अगर वापस मैं इसमें डिवाइडर लगाऊं तो क्या गैस वापस खुद से सेपरेट हो जाएंगी? नहीं होंगी ना, इसमें लेके फिर से डिवाइडर लगा दो, अपने आप सारे मॉलिक्यूल्स वापस। तो इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, अपने आप तो नहीं होगा, यानी रिवर्स प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस और ये वाला स्पॉन्टेनियस, है ना। दोनों में जबकि मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एनर्जी का कंजर्वेशन वायलेट हुआ है, जिस तरह से मिक्सिंग में एनर्जी इन्वॉल्व हुई उस तरह से यहां वापस रिलीज हो जाए, पर ये प्रोसेस खुद से होना नहीं चाहता। यही सेकेंड लॉ है, यही नेचुरल लॉ है, यही स्पॉन्टेनिटी का लॉ है कि क्या चीज असल में होगी और क्या चीज नहीं होगी, नेचर में क्या चीज होती है क्या चीज नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं कि टाइम, टाइम ऑलवेज मार्चेस फॉरवर्ड, समय हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं जाता? पीछे जाने में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं गलत हो रही है? नेचर ने कहा है, नेचर का लॉ है कि ये चीज आगे ही बढ़ेगी। तो बहुत से ऐसे एग्जांपल है, जैसे मान लो कि पहाड़ के ऊपर से झरना गिर रहा है नीचे की तरफ, अब झरने से पानी नीचे गिरा, ऐसे टिप टिप बरसा पानी, टिंग टिंग, झरने से ऐसे पानी नीचे बरसा, और मान लो नीचे बड़ा सा पत्थर रखा है, तो जो पानी नीचे पत्थर पे गिरेगा तो एक तो बहुत अच्छी आवाज आएगी छाप छाप छाप, वो छोड़ो, दूसरा क्या होगा कि पत्थर हीट हो जाएगा पानी गिरने से, है ना, ऐसे पानी झम झम उसके ऊपर गिरेगा तो पत्थर हीट हो जाएगा। अगर मैं उस पत्थर के ऊपर पानी रख के उसको हीट करूं तो क्या वो पानी ऊपर चला जाएगा? नहीं, उसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। पानी का ऊपर से नीचे गिरना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नीचे से ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये सारी बातें हमें किसने सिखाई है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एग्जाम्पल इसके अनगिनत हैं, मैं बोलता चलूं मैं थक जाऊंगा, अनगिनत एग्जाम्पल है। तो मैं ये बता रहा हूं कि नेचर में कुछ प्रोसेस खुद से होते हैं, कुछ प्रोसेस खुद से नहीं होते हैं। जैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको समझनी है यहां से हीट इंजन के लिए, दैट ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट, ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट, बट बच्चों नोट करेंगे इसको, ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क। नोट करेंगे इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। जितना भी काम करें उसको हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं,
पर जितनी भी हीट हो उसको हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वर्क हीट इक्विवेलेंस। जैसे मान लो ये मेरे हाथ हैं, इसको मैं रब कर दूं, तो मैंने जितना काम किया वो क्या बन गया, देखो मैं वर्क कर रहा हूं, जितना काम किया क्या बन गया, वो हीट। पर मैं अपने हाथों को लेके एक बर्नर के ऊपर रख दूं, हाँ जल जाएगा, खैर उसको छोड़ो, बर्नर के ऊपर रख दूं तो ऐसा नहीं कि हाथ अपने आप ऐसा होने लगेगा, ऐसा मजा नहीं मिलेगा, है ना। तो जितना वर्क किया वो हीट बन सकता है, पर जितनी हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बड़ा खराब एग्जाम्पल था, इसका अच्छा एग्जाम्पल है हीट इंजन, इसी बात का। अब मैं आपको ये बात समझाने जा रहा हूं, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फिजिक्स में आपके लिए यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अगर आपसे पूछा व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप ये बोल सकते हो क्या, ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट बट ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क। नोट कर लें, अभी और मैं स्टेटमेंट बताऊंगा इसमें, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कैन नॉट स्टेटमेंट, लोगों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी। आप समझ गए ना कि यार सेकेंड लॉ की कोई स्टेटमेंट है नहीं, इसका मतलब तो बस ये है कि जो होता है भगवान भरोसे होता है यही है सेकेंड लॉ, है ना। अच्छा खैर, इसको आप लिख सकते हो कि ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट बट ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड। सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ हीट को बर्बाद होना जरूरी है, कुछ ना कुछ हीट को बर्बाद होना जरूरी है। 100% इफिशियंट हीट इंजन नहीं बन सकता, आई रिपीट, 100% इफिशियंट हीट इंजन नहीं बन सकता। कई लोग की आज उम्मीदें टूट गई, कई लोग बचपन से पैदा हुए थे तो उनसे बचपन में पूछा गया था तुम क्या करोगे, मैं हीट इंजन बनाएगा 100% एफिशिएंट। आज उन लोग की उम्मीदें टूट गई, और बच्चे इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें गलती पुराने फिजिसिस्ट की है जिन्होंने ये लॉज बना दिए हैं, और ये सच है। तो अगर आपका सपना था कि मैं भारत के लिए 100% एफिशिएंट इंजन बनाएगा, तो वो सपना आपका आज का आज तोड़ दिया गया है फिजिक्स के द्वारा। खैर आगे बढ़ते हैं, तो आपको मैं समझाता हूं कि हीट इंजन क्या होता है, फिर समझाता हूं कि क्यों सारी हीट वर्क नहीं बना सकती। पहले हीट इंजन समझो। हीट इंजन बच्चों एक ऐसी डिवाइस है जो हीट से वर्क बनाती है, हीट से वर्क बनाती है। हीट इंजन ऐसी डिवाइस है जो हीट से वर्क बनाती है, जैसे अपना गाड़ी है ना। अब गाड़ी में आप किक मारते हो, डिंग डिंग डिंग, आप क्या करते हो, स्पार्क जलाते हो, है ना। स्कूटर में पुराने देखा है, स्पार्क प्लग होता था, मारते थे टर्र, वो जलता था, तो वो इग्नाइट हुआ, उससे अंदर पेट्रोल जला या डीजल अंदर जला, डीजल जला तो कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, उसकी वजह से पहिया घूमा, घूमा तो मतलब वर्क हुआ, अरे घूमा मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब हीट एनर्जी से वर्क एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं हीट इंजन, है ना। सभी गाड़ियों में लगा है, सभी जगह लगा है, समझ रहे ना, बाइक है, कार है, अपनी कार में भाई पेट्रोल जल रहा है, हीट एनर्जी, और उससे गाड़ी चल रही है, यानी वर्क हो रहा। तो हीट इंजन का जो बेसिक्स है बच्चों, नोट करेंगे यहां से थोड़ा सा, पहली बार देख रहे हैं, हीट इंजन बच्चों एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंक का होना, सोर्स और सिंक, और यहां पे अपना इंजन। सोर्स से हमने हीट ली, सोर्स से हमने हीट ली, मान लो सोर्स ने हमको Q1 हीट दी, सोर्स ने जला वला के जैसे भी हमें Q1 हीट दी। अब इंजन इस Q1 में से कुछ वर्क करेगा, मान लो वर्क किया W, तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि पूरा Q1 W में चेंज नहीं हो सकता, जितनी हीट लिए हो पूरी पूरी वर्क नहीं बन सकती, इसमें से कुछ हीट चली जाएगी सिंक को, जिसको हम बोलेंगे Q2, सिंक, सिंक जिसमें रेसिडुअल बची हुई हीट चली गई। माना जाता है कि सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का T2, और T1 इज ग्रेटर देन T2, तभी तो हीट ऐसे फ्लो किया, यानी ये जो वर्क डन हुआ ये होगा Q1 माइनस Q2। अगर कहीं और एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ये मानते हुए कि कहीं और फ्रिक्शन एक्शन नहीं है और कहीं वेस्ट नहीं हो रही एनर्जी, तो Q1 हीट सोर्स से ली, Q2 चली गई सिंक में, और वर्क हुआ Q1 माइनस Q2। मतलब ये हीट इंजन का कंसेप्ट ही यही है कि ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क। अभी समझाऊंगा वाई, पहले कंसेप्ट समझो, है तो यही कंसेप्ट, वाई थोड़ी देर बाद, कि आपने Q1 हीट ली, उसमें से कुछ वर्क किया,
बची हुई हीट नीचे गई Q2, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं, समझने की बात है कि Q1 से ही वर्क हुआ और उसी में से Q2 हीट निकल गई। Q1 से ही वर्क हुआ उसी में से Q2, तो Q1 माइनस Q2 इज वर्क। अब किसी भी इंजन की अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है, यदि प्यारे बच्चों आपको इंजन की इफिशियंसी निकालनी है, जो कि सीखना बहुत जरूरी है, वो होता है वर्क डन बाय इंजन अपॉन हीट गिवन टू इंजन। आपने जितनी एनर्जी इसको सप्लाई की उसमें से कितना ये काम कर पाया, आपने भैया पेट्रोल जला के इसको कितनी एनर्जी दी, Q1 आपने एनर्जी दी, Q1 उसमें से ये वर्क कितना कर पाया, ये एफिशिएंसी है। मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो यार, एफिशिएंसी में तो आता ही है। सो ईटा इज इक्वल्स टू वर्क डन कितना है, W, हीट गिवन Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है। अब चाहो तो आप W की जगह Q1 माइनस Q2 भी लिख सकते हो, ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं आगे बढ़ाऊं इसी को, इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 बटे Q1 लिख सकते हैं ऐसे, इंटू 100, ठीक है, वो तो समझ रहे हो, फ्रैक्शन में निकाल दिया। यानी मैं एफिशिएंसी को लिख सकता हूं, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, Q1 बाय Q1 हो गया 1 माइनस Q2 बाय Q1, चाहो तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, वरना फ्रैक्शन में आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। अरे समझ रहे हो ना यार, चाहे 100 से मल्टीप्लाई करो तो 70%, 60%, 50%, अदरवाइज 0.5, 0.6 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100 नहीं हो सकती, या फ्रैक्शन में बात करें तो 1 नहीं हो सकती, है ना। यहां 1 होने का मतलब ओवरऑल कितनी हो गई, 100, है ना। इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख ही देता हूं, आप भी खुश हो। तो अगर किसी की एफिशिएंसी आपको 100 चाहिए, तो वो तभी हो सकती है जब ये टर्म 0 हो, जब ये टर्म 0 हो। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, पहले इतना आप नोट कर लें, पहले आप इतना नोट कर लें, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से सर व्हाइट बोर्ड मिटाना, मिटा रहा हूं। हीट इंजन में एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, बीच में इंजन होता है, Q1 हीट लेता है, Q2 छोड़ता है, W वर्क करता है। एफिशिएंसी होती है कितना वर्क किया आउट ऑफ हीट गिवन, तो हीट गिवन Q1, उसमें से वर्क किया Q1 माइनस Q2। फिर मैंने कहा एफिशिएंसी को लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाय Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो तो परसेंटेज में आएगा। फिर अब मैं बात कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, फिर मैं बात कर रहा हूं कि 100% एफिशिएंसी कैसे आ सकती है और क्यों नहीं आ सकती, ये भी बताएंगे। पहले तो एफिशिएंसी समझ के कैसे निकालते हैं, वर्क डन आउट ऑफ हीट। बच्चों 100% एफिशिएंसी या फ्रैक्शन में 1 एफिशिएंसी तब आएगी जब Q2 की वैल्यू 0 हो, तभी आ सकती है। जब ये 0 हो जाएगा तो एफिशिएंसी 1 × 100 100%। Q2 की वैल्यू 0 होने का मतलब देयर इज नो नीड ऑफ सिंक, सिंक की कोई जरूरत नहीं है, या देयर इज नो नीड ऑफ लो टेम्परेचर बॉडी, है ना। ऊपर वाले का टेम्परेचर T1 था, नीचे का T2 था, और हीट हायर से लो, मतलब लोअर टेम्परेचर बॉडी की कोई जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल बॉडी एंड वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड। इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब हुआ वर्क इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 था, Q2 जीरो हो गया, Q1 यानी सारी हीट से वर्क हो जाएगा। और यही मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता सारी हीट से वर्क, क्यों? अगर बच्चों ऐसा हो गया तो सोचो मैं एक स्कूटर चला रहा हूं, मुझे अब किसी सेकेंड बॉडी की जरूरत नहीं, मुझे सिंक की जरूरत ही नहीं है लो टेम्परेचर बॉडी की। हम एक सिंगल बॉडी से हीट निकालकर वर्क कर सकते हैं। अब सिंगल बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हो, हायर हो लोअर हो, मतलब क्या दूसरी बॉडी है ही नहीं कहीं। हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल बॉडी विच इज एट एनी टेम्परेचर एंड वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड। भाई सिंक ही नहीं है, सिर्फ एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1। स्कूटर चल रही है, स्कूटर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, आपने स्कूटर से कहा हीट दो, उसने दे दिया, उससे आपने स्कूटर चला ली, वर्क हो गया।
ओ पेट्रोल की कोई जरूरत ही नहीं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप चल रहे हो रास्ते में, आपने स्कूटर में एक तार लगाया, वहां से आपको हीट मिला, सिंगल बॉडी एट सिंगल टेम्परेचर, और उस हीट से आपने वर्क कर लिया। एक शिप है, शिप चल रहा है, शिप मतलब जहाज है ना, टाइटैनिक, जहाज चल रहा है अपना कहां पे, ओशन में। अब ओशन में जहाज चल रहा है और ओशन के पास कुछ ना कुछ हीट तो है ही है भाई, ओशन का कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो है, तो आपने ओशन से हीट निकाली, उससे वर्क किया और उसी से जहाज चला दिया। आपको दूसरी बॉडी की जरूरत ही नहीं, आप सिंगल बॉडी से हीट निकाल रहे हो। ये तो बोल रहा है, हीट कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम अ सिंगल बॉडी एंड वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड, सो ऑल दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑल दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचो ऐसा हो सकता है क्या, जहाज अपने आप ही चल रहा है ना, समुद्र से सिंगल टेम्परेचर टी पे है, समुद्र अपना सिंगल टेम्परेचर टी पे है, वहां से आपने हीट निकाली और काम चालू। नहीं, हमेशा एक दूसरी बॉडी की जरूरत पड़ेगी विच इज सिंक, क्योंकि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर पे फ्लो करेगी, हमेशा कुछ ना कुछ हीट बर्बाद होगी। ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क, क्यू टू कैन नॉट बी जीरो, याद रखना है आपको, क्यू टू कैन नेवर बी जीरो, एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100% और 1। पहले तो यह बात दिमाग में डाल लो, मतलब दुनिया में कोई भी हीट इंजन बन जाए उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। क्लियर है इतनी बात, कहानी समझ में आ गई, प्रॉब्लम समझ में आ गया। अगर Q2 जीरो होता तो एफिशिएंसी 1 होती, Q2 जीरो मतलब देयर इज नो नीड ऑफ लो टेम्परेचर बॉडी, सिंगल बॉडी से हीट लो वर्क करो, सिंगल बॉडी से हीट लो वर्क करो, विच इज नॉट पॉसिबल। तो एक बेसिक फ्लॉ देखा, एक बेसिक फ्लॉ देखा। थोड़ी देर बाद मैं आऊंगा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के साथ, अभी के लिए आप यह समझोगे कि ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क। अगर सारी हीट से वर्क बनता, अगर सारी हीट से वर्क बनता तो सारी हीट से वर्क बनता और Q2 जीरो होता और एफिशिएंसी 1 आती, जो कि नहीं होगा। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों, मैं थोड़ी देर आपको कंसेप्ट देता हूं हीट इंजन का। हीट इंजन, एक हीट इंजन की हम बात करते हैं आपसे बच्चों। हीट इंजन के जो प्रोसेस होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। अभी हम थर्मोडायनेमिक्स में उसका पीवी ग्राफ बनाएंगे। साइक्लिक कैसे, देखो जैसे मान लो यहां एक सिलेंडर है, यहां एक पिस्टन है, ये आपकी गाड़ी का टायर है, ठीक है, ये इसका सेंटर, टायर का सेंटर, और सेंटर से थोड़ा यहां पे हमने क्रैंक शाफ्ट लगा दिया एक, ठीक है, इसे हमने मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, अभी आपके सिलेबस में ये सब नहीं है। खैर एनीवेज, होता क्या है, आप यहां से जलाते हो फ्यूल को, आपने हीट किया, ठीक है, आपने स्पार्किंग हुई गाड़ी में, बढ़िया एकदम आग जली। अच्छा, अब इसके अंदर मान लो कोई भी वर्किंग फ्लूइड है ना, आग जल रही हो, किससे जल रही है, मान लो पेट्रोल जल रहा है, जो भी जल रहा है, इसके अंदर एक वर्किंग फ्लूइड है, बेसिकली आइडियल गैस हम मानेंगे, हम तो अपने डिस्कशन में इन सब फ्लूइड को क्या मानेंगे, आइडियल गैस। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी, वर्क, ये सब आना चाहिए थोड़ा बहुत। हमने माना इसके अंदर एक आइडियल गैस है, अब आप हीट करोगे तो गैस एक्सपेंड करेगी, टी, अब सोचो इसको आगे पुश करेगी, टी टी, तो टायर आगे बढ़ेगा, टी। अच्छा, जब ये आगे जाएगा बच्चों, तब ड्यू टू इनर्शिया ये पिस्टन वापस आना चाहेगा, भाई आपने जलाया, ये ऐसे आगे बढ़ा, टी, एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ आइडियल गैस का, क्या हुआ प्यारे बच्चों, आइडियल गैस का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन से टायर आगे बढ़ा, अब ड्यू टू इनर्शिया ये वापस आना चाहेगा, टी, मतलब गैस का वापस फिर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होने में टायर पीछे भी आएगा डेफिनेटली, तो ओवरऑल टायर आगे तभी बढ़ेगा जब यहां वाला जो वर्क हो वो यहां वाले वर्क से ज्यादा हो। ये वाला वर्क देखो पॉजिटिव है और ये वाला वर्क एक तरह से गाड़ी के लिए नेगेटिव है, समझ रहे हैं? तो इस साइकिल में, इस साइकिल में पॉजिटिव वर्क जब ज्यादा होगा, ये एक साइकिल है, दिस इज वन साइकिल, एक बार गैस एक्सपैंड करेगी, एक बार गैस कंप्रेस, इस साइकिल में जब ये वाला वर्क डन ज्यादा होगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली देखें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं साइकिल बनाने के, प्रेशर वॉल्यूम, हो सकता हो साइकिल ऐसी हो, ये हो गई एक्सपेंशन, ये हो गई कंप्रेशन, बहुत तरीके हैं साइकिल बनाने के,
पी वी, हो सकता हो साइकिल ऐसी हो, ये हो गई एक्सपेंशन, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये हो गई कंप्रेशन, यहां से यहां वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम के टर्म्स में देखो यहां से यहां वॉल्यूम बढ़ा, यहां से यहां घटा। तो जैसा भी हो प्रोसेस तो साइक्लिक निकलेगा, प्रोसेस तो साइक्लिक निकलेगा। इसको हम बोलते हैं वन स्ट्रोक ऑफ इंजन, सुना होगा ना, टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन, सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, पूरी किताब लिखी जा सकती है इस पे, है ना, आईसी इंजन, है ना, फोर स्ट्रोक इंजन, पूरी पूरी कहानी, पूरी पूरी कहानी है, आपको नहीं पढ़ना, आपको चलना है हीट इंजन पे। तो मैं बता रहा हूं कि एक साइकिल का मतलब एक स्ट्रोक ऑफ इंजन बोलते हैं कि एक स्ट्रोक हो गया। अब देखो ये तो आप समझ गए कि साइक्लिक प्रोसेस होगा, तो मैं एक साइक्लिक प्रोसेस बनाता हूं प्यारा सा, आइए देखें और उसको एनालाइज करते हैं, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियां उसके अंदर से मिलेंगी, कंसेप्ट आपके और अच्छे हो जाएंगे। चलिए न्यूमेरिकल भी है, जेई 2013 मेंस में आया भी है सवाल, किसी फॉर्म में आया था, आइए देखते हैं। अब दिस इज नॉट कैन नॉट हीट इंजन, ये एक हीट इंजन कैसी नॉर्मल साइकिल दिया, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यहां वॉल्यूम बोला वी नॉट, यहां वॉल्यूम बोला टू वी नॉट, यहां प्रेशर बोला पी नॉट, यहां प्रेशर बोला 2P0, है ना, 2013 मेंस में सवाल है इसका, ठीक है, हमसे बोल रहा है कि हम A से B गए, B से C गए, C से D और D से A, चार प्रोसेस हुए, आप चारों प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी चेंज, चारों प्रोसेस का वर्क डन, चारों प्रोसेस का हीट मुझे निकाल के दिखाओ, फाइंड डेल्टा U W, फाइंड डेल्टा U, फाइंड डेल्टा यू, फाइंड डब्ल्यू, फाइंड क्यू फॉर ऑल प्रोसेसेस। चलो करते हैं, प्रोसेस ले लेते हैं कौन सा, सबसे पहले लेते हैं ए से बी, फिर ले लेते हैं बी से सी, फिर ले लेते हैं सी से डी, जगह नहीं बच रही इधर, चलो प्रोसेस ले लेते हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, सबका आपको निकालना है डेल्टा यू, वर्क डन, हीट, सबकी। आइए समझाते हैं आराम से, धीमे धीमे समझो, आराम से धीमे धीमे समझो, ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। चलो इसको ले लेते हैं, थोड़ा साइकिल का नाम चेंज करता हूं मैं, ए बी सी डी, चलो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम चलते हैं ए से बी में, तो बच्चों ए से बी में हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला प्यारे बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास ये जो गैस है वन मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस है, हमें क्या दे रखी है, वन मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस दे रखी है, तो डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एन सी वी डेल्टा टी, यही होता है, एन कितना हो गया वन मोल, सीवी की वैल्यू होती है एफ बाई टू आर इंटू डेल्टा टी, भाई ये तो पता है डेल्टा यू का फॉर्मूला एन सीवी डेल्टा टी, एन वन हो गया, सीवी की वैल्यू एफ बाई टू आर, एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक गैस के लिए बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है तीन, तो तीन बाई दो आर इंटू डेल्टा टी। अब बात क्या कि यहां से यहां का डेल्टा टी पता ही नहीं है, यहां प्रेशर वॉल्यूम पता है, यहां प्रेशर और वॉल्यूम पता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा के हम टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, मान लो यहां टेम्परेचर टी नॉट है, इस जगह पर टेम्परेचर मान लो टी नॉट है, तो भाई साहब यहां बनेगा पी नॉट वी नॉट टी नॉट, लिख सकते हैं प्रेशर पी नॉट वॉल्यूम वी नॉट टेम्परेचर टी नॉट, यहां से यहां देखो प्रेशर डबल हुआ, वॉल्यूम सेम है तो टेम्परेचर भी डबल होगा, अरे पढ़ा होगा ना पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, अगर प्रेशर को डबल करोगे तो टेम्परेचर भी डबल, दिख रहा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहां प्रेशर पी नॉट से टू पी नॉट, तो यहां टेम्परेचर टी नॉट से टू टी नॉट, तो यहां का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो टू पी नॉट, वॉल्यूम कितना हो गया यहां पे वी नॉट, टेम्परेचर हो गया टू टी नॉट, लिख सकते हैं। अच्छा अब बीसी प्रोसेस देखो, बी से सी में प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है पर वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम को डबल किया तब भी टेम्परेचर डबल होगा, है कि नहीं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दिख रहा है, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखो वॉल्यूम को डबल करो तो टेम्परेचर डबल होगा, तो यहां से यहां सी पे प्रेशर कितना है 2p0 कांस्टेंट है
वॉल्यूम कितना है यहां पे 2V0 और टेम्परेचर यहां पे 2T0 था, यहां के डबल हो गया 4T0। बोलो सही है, ये सब आना चाहिए, छोटी छोटी चीजें समझ में आ रहा है। यहां से यहां प्रेशर डबल हुआ तो टेम्परेचर डबल, यहां से यहां वॉल्यूम डबल की वजह से टेम्परेचर डबल। अब जरा सी से डी देखो, सी से डी में वॉल्यूम तो सेम रहा, प्रेशर आधा हो गया तो टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा। तो प्रेशर है यहां का पी नॉट, वॉल्यूम है 2V0 और टेम्परेचर इसका आधा 2T0। इतनी बातें आपने निकली, यहां माना टेम्परेचर T0। अब आ जाओ डेल्टा U, यहां का डेल्टा U कितना होगा 3/2 R डेल्टा T। यहां से यहां डेल्टा T कितना होगा बोलो, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर 2T0 - T0 यानी कि T0 कैसा होगा ये प्लस। बी से सी में बताओ, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, यही रहेगा भाई मोनो एटॉमिक गैस ही है, 1 मोल ही है तो यहां तक तो 1 मोल मोनो एटॉमिक ले, सीवी की वैल्यू F/2, एफ की वैल्यू 3, तो ये तो सेम रहेगा। तो 3/2 R और बी से सी में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी 4T0 - 2T0 यानी 2T0, ये भी प्लस। सी से डी में आओ भाई, सी से डी में फिर से मैं लिख लेता हूं 3/2 R डेल्टा टी कितना होगा, इस बार टेम्परेचर गिर रहा है 2T0 - 4T0 यानी -2T0। अब इंटरनल एनर्जी फॉल करेगी क्योंकि टेम्परेचर फॉल किया, इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। डी से ए पे आओ, डी से में आप देख रहे हैं टेम्परेचर फिर फॉल कर रहा है 2T0 से T0, तो 3/2 R - T0। बोलो सही है, T0 - 2T0 - T0, ये हो गई सारी इंटरनल एनर्जी। आइए वर्क डन निकालते हैं। प्यारे बच्चों जो प्रोसेस ए बी है, जो प्रोसेस ए बी है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा बी। जनरली तो यही फॉर्मूला लगा सकते हैं पी डेल्टा बी। ए से बी में आप देखो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है यानी चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क डन जीरो। यहां से यहां वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ V0 से V0, तो वर्क डन जीरो। इस तरह से सी डी में भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा 2V0 2V0, तो सी डी में भी वर्क डन जीरो। बचे दो प्रोसेस, ये वाला वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल्टा वी अगर प्रेशर कांस्टेंट हो। डीसी में देखो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर है 2P0, यहां भी प्रेशर 2P0 और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, यहां वॉल्यूम 2V0 यहां V0, तो कितना हुआ V0। सही है, P डेल्टा V प्रेशर हो गया 2P0 और डेल्टा V 2V0 - V0 V0 2P0 V0। इसको मैं चाहता हूं RT के टर्म्स में लिखूं, तो क्योंकि आइडियल गैस की कहानी चल रही है तो PV इज इक्वल्स टू NRT लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 है तो N की वैल्यू 1 रख दी, तो PV इज इक्वल्स टू RT यानी P0 V0 इज इक्वल्स टू RT0, सो दिस विल बिकम 2RT0। यहां पे आए वर्क का फॉर्मूला पी डेल्टा वी डी से ए में। अब डी से ए में देखो प्रेशर कितना है पी नॉट और वॉल्यूम कम हो रहा है V0 - 2V0 यानी -V0, यहां पे वर्क डन नेगेटिव होगा कंप्रेशन वाला। माइनस पी नॉट वी नॉट को आप लिख सकते हो RT0 लिख सकते हैं, RT0 माइनस के साथ, माइनस के साथ। अब आई बात क्यू की, बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो, आई होप आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता हो। Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U, इन दोनों को जोड़ के आना है तो Q के इन दोनों को जोड़ते जाओ। पहले वाले दो टर्म्स को जोड़ा तो यहां पे आएगा 3/2 RT0 + 0, कितना हो जाएगा 1.5 RT0 लिख सकते हैं। यहां पे जोड़ो 3/2 1.5 और 2, 3/2 अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल होगा, पहले 3RT0 + 2 तो कितना हो 5RT0 प्लस में प्लस में। यहां पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल -3RT0, यहां पे देखो 1.5 और -1 यानी -2.5RT0। बोलो सही लिखा है, -RT0 1.5 RT0 1.5 और 1 -2.5। ये हुई हमारी टोटल हीट। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ प्यारी प्यारी चीजें आपको दिखेंगी। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट डेल्टा यू फॉर साइकिल, अच्छा साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आना चाहिए, जीरो आएगा। देखो +3/2 RT T0 - -3/2 RT0 कैंसिल, +3RT0 - 3RT0 कैंसिल, जीरो।
नहीं आता तो मतलब कहीं कुछ गलती हुई थी। यहां से चले और वापस ए पे आए तो इंटरनल एनर्जी का चेंज साइक्लिक प्रोसेस में जीरो, वर्क डन जीरो नहीं आएगा, नेट वर्क डन, नेट वर्क। अब देखो जब मैं बोल रहा था वही हुआ, आधी साइकिल तक वर्क डन पॉजिटिव है, बची हुई आधी साइकिल में वर्क डन नेगेटिव है। क्रैंकशाफ्ट आगे गया, वर्क डन पॉजिटिव, बची हुई आधी साइकिल में वर्क डन नेगेटिव। ओवरऑल वर्क डन जो मिल रहा वो मिल रहा है आर टी नॉट पॉजिटिव में। इसी से गाड़ी आगे बढ़ती है इतने वर्क से, ये एक्सपेंशन और ये वर्क कौन सा है, कंप्रेशन। ध्यान से देखो ये कंप्रेशन, देखो यहां तो कुछ नहीं हुआ वॉल्यूम में, ये हुआ एक्सपेंशन, ये कुछ नहीं हुआ वॉल्यूम में, ये हुआ कंप्रेशन, नेगेटिव वर्क। ओवरऑल गाड़ी बढ़ रही है इस प्रोसेस की वजह से। हीट पे आते हैं तो नेट हीट निकालने का कोई मतलब नहीं है, मेरी बात मानो, नेट हीट निकालने का कोई मतलब नहीं है, आप बात समझो। स्टार्टिंग के दो स्टेप्स में हीट गेन हो रही है और बाद के दो स्टेप में हीट लॉस हो रही है, मतलब समझो शुरू के दो प्रोसेस में आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, पेट्रोल से हीट ले रहे हो गाड़ी को चलाने के लिए, सारी की सारी हीट वर्क में चेंज नहीं हुई, कुछ हीट वापस बाहर फेंक दी गई। आपने कितनी हीट ली, 1.5 + 5, 6.5 RT0। सारी हीट से वर्क नहीं हुआ, वर्क कितना हुआ RT0, 6.5 RT0 में से वर्क कितना हुआ RT0, बची कितनी हीट, बची कितनी हीट, 6.5 हीट आपने ली प्लस, मतलब इतनी हीट गेन की, वर्क कितना किया RT0, 6.5 में से वर्क हुआ 1 RT0, कितना बचा 5.5 RT0, इतनी हीट बाहर जाएगी। क्लियर हुआ, ये है हीट इंजन। आपने 6.5 RT0 हीट ली, वर्क किया RT0, इसमें से ये यूज हो पाई हीट, बाकी हीट बेकार, रिजेक्ट, इजेक्ट कर दी, इंजन से बाहर आ गई, गाड़ी गर्म हो रही है जिसकी वजह से, जिस वजह से गाड़ी गर्म हो रही है वो हमारे काम का नहीं। ये देखो ये हीट बाहर निकली, 6 RT0 लिया, RT0 सॉरी 6.5 RT0 लिया, RT0 वर्क किया, बचा कितना 5.5 RT0, देखो ये बाहर निकल गई। दिस मच हीट इज Q1, दिस मच हीट इज Q2 एंड दिस इज वर्क, दिस इज वर्क। साइन वाइन को छोड़ दो, मैं रियलिटी मतलब बता रहा हूं, ये हीट गेन, ये हीट रिजेक्ट कर दी जिससे कुछ काम नहीं हो पाया, ये माइनस ये से वर्क मिला, इसमें से वर्क हुआ, बची हुई हीट रिजेक्ट कर दी। तो ये कंप्लीट इंजन का साइकिल है, जो कि कैरनॉट इंजन नहीं है, पर इसमें कंसेप्ट सारा है एक इंजन का। दिस इज द रियल कंसेप्ट ऑफ एन इंजन। जेई 2013 मेंस में उन्होंने हमसे पूछा था, यही डायग्राम बना के दिया था, एग्जैक्टली यही डायग्राम। उन्होंने कहा था कि एक कंप्लीट साइकिल में व्हाट इज द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में व्हाट इज द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स। एग्जाम्पल, अरे ऑप्शन थे P0V0, 11/2 P0V0, 13/2 P0V0, 9/2 P0V0। बताओ 2013 मेंस का सवाल, बताओ। उन्होंने हमसे पूछा कि एक कंप्लीट साइकिल में कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई फ्रॉम द सोर्स, बताओ कहां तक हीट एक्सट्रैक्ट हुई है सोर्स से, ये, और ये कहां जा रही है सिंक में। फील हो रहा है, हीट ली पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सोर्स से हीट ली, सोर्स से हीट ली Q1, और ये हीट रिजेक्ट हुई, मतलब ये है हीट एक्सट्रैक्टेड। पहले दो स्टेप में हीट एक्सट्रैक्ट की, अगले दो स्टेप में हीट रिजेक्ट कर दी, ये किसी काम की नहीं है। और पूरे साइकिल में जो काम हुआ, जो पॉजिटिव वर्क हुआ, उसी से गाड़ी आगे बढ़ी। तो हीट एक्सट्रैक्ट है 6.5 RT0, तो ये तो आने वाला नहीं 6.5, ये आएगा 5.5, ये आएगा 6.5, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कैनॉट्स हीट इंजन, तो कैनॉट्स हीट इंजन जरूर देखिएगा और उसके लिए ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।